हेलो वेलकम अगेन मेरे अजीजों और शौकीनों इंदौर के, थैंक यू वेरी मच। बड़ी बड़ी इज्जत दी है इस इंदौर शहर ने हमें और इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि मतलब अल्फाज नहीं मिल पा रहे हैं। एज आई मेंशन कि हम लोग मेन्यू अपने चेंज करते रहेंगे और आपको नई नई रेसिपीज इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, तो वो टाइम आ गया है जब हम नया मेन्यू आपके पास पेश कर रहे हैं। इस बार का जो मेन्यू हमने डिसाइड किया है और जो डिशेस हमने उसमें सिलेक्ट करी हैं, उससे पहले मैं एक शेयर कहना चाहूँगा कि सादगी को संवरने की ज़रूरत क्या है। सादगी भी कयामत की अदा रखती है। तो ये जो ट्रेडिशनल मेन्यूज हैं, ये बड़े सीधे सादे सिलेक्टेड फ्रेग्रेंट एंड ऑल्सो फ्लेवरफुल रेसिपीज हैं, तो वो डिस्कस करने के लिए आज हम तीनों आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पहला उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि कबाब जो है, इंदौर के लोगों ने रिकमेंडेशन इतनी डाली कि प्लीज कबाब जानिसार मत हटाइएगा, तो कबाब भी वही है और सूरन के कबाब भी वही। जैसे वैसे ही बड़ी मुश्किल लगी मुझे बीच में सूरन का, वो इतना सारा सूरन इनका इंतजाम करना, पर अब मैं कर चुका हूँ और हम कर पाए हैं और उस चीज को हम आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर्स जो आ रहे थे उसकी भी हमने फ्रीक्वेंसी देखी है, तो 11:30 तक हमने जो कट ऑफ रखा था ऑर्डर्स का, और हमने रियलाइज किया कि इंदौर के लोग जो हैं थोड़े लेट ही उठते तो इस वजह से हमने ये किया है कि हमारे पास स्टाफ हमने इंक्रीज करा, हमारे लोगों को हमने इंक्रीज किया। अब आप ऑर्डर जो है सेम डे डिलीवरी के लिए 2 या 3 बजे तक दे सकते हैं। फिर आपको तकलीफ हो तो और बता दीजिएगा, तो स्टाफ और रख लेंगे और फिर उसको और इंक्रीज कर देंगे, पर फिलहाल 2 और 3 बजे दोपहर तक अगर आप बता दें हमें तो सेम डे डिलीवरी पॉसिबल है। सो इस तरह से हमने प्रिपेयर किया है इस चीज को। आप लोगों के सजेशंस और आप लोगों के लाइक्स प्लीज हमें बताइए कि हम लोग किस तरह से अपने आप को बेटर कर सकते हैं, जिससे आपको भी सहूलियत हो और हमें भी सहूलियत हो, कुछ इस तरह का काम करें। बट आपके जो एप्रिसिएशन और जितने भी मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, एंड प्लीज लेट इट कम। सो अब ये है कि मेन्यू के ऊपर बात आई जाए तो कबाब ओके हुई हैं और एक इसमें से मटन प्रेपरेशन, इसमें से चिकन हटा दिया गया, इसमें पूरा मटन ही है इस बार। सो इसमें मटन प्रेपरेशन इस तरह से किया है कि मटन धनिया वाला गोश्त बनाया जा रहा है। अब ये धनिया वाला गोश्त जो है, ये मालवा का बड़ा ही ट्रेडिशनल प्रेपरेशन है और हमारी हाउस होल्ड की, सबके हाउस होल्ड की बहुत ही मतलब फेवरेट डिशेज में से माना जाता है। और ये धनी वाला गोश्त का अगर मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करूं तो जैसे अब भोपाल हो गया, तो भोपाल में रिजाला बोलते हैं उसको, पर रिजाला अलग है। उसमें वो मिक्सचर ऑफ दैट कोरमा का काइंड ऑफ एक वो आएगा, ये वो कोरमा टाइप की चीज़ नहीं है। ये बहुत ही रस्टिक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड रेसिपी है जो आपके सामने इस बार पेश करी जा रही है। और हमारे मामा जो हैं वो बताएंगे आपको कि उन्होंने वेजिटेरियन उनके किचन के हिसाब से क्या प्रिपेयर करने की सोची है। हुकम मैंने तो गोली वाला खटा है, वाह वाह, गुजरात का है बिल्कुल, और जब आपका मालवे का सब बन रहा है तो क्यों नहीं गुजरात का बने, बिल्कुल, तो लेट्स ट्राई। जी हाँ। और एक है पतोड़, जो कि ट्रेडिशनल बोलो या कुछ भी बोलो वो तो पतोड़ है ही है, पर जब गर्मियों के दिनों में सब्जी भाजी गाँव में नहीं आती थी तो ये ऐसी चीजें बनाते थे, पतोड़ है, केल सांगरी है, आटे की भाजी है, इस तरीके की चीजें बनाते थे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको पतोड़ खिलाने की, आई होप कि आपको पसंद आए। और पूनम भाई साहब, आपके क्या किचन में क्या बन रहा है? जैसे कि अपन सब जानते हैं कि बिफोर द मुगल्स केम, राइस प्रिपरेशंस वर वेरी कॉमन इन आवर इंडियन हाउसहोल्ड्स, सो वी आर कमिंग अप विद अ ट्रेडिशनल बटली का पुलाव, सो यू ऑल मस्ट ट्राई दैट। अब आपको इधर मैं बताना चाहूंगा कि हम जो नामली फैमिली है आधे गुजराती हैं, जो कि हमारी माँ जो है वो भी गुजराती, हमारी दादी जो है वो भी गुजराती, हमारी परदादी जो थी, तो गुजरात जो है हमारे रगों में उतना ही बसा हुआ है जितना मालवा बसा हुआ। तो ये गोली वाला खाटा, शायद अगर मेरे दिल से पूछो तो मैं, अगर गोली वाला खाटा एक तरफ आ जाए तो मैं मीट और वेजिटेबल्स सब एक तरफ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा इतना, और बहुत ही अनयूजुअल है ये गोलियां जो है, ये आटे की गोलियां होती है, बेसन की है ना, हाँ, तो ये बेसन की गोलियां होती है, मैं माफी चाहूंगा, और उसको फिर वो उनको खाटे में तैराया जाता है, तो वो एक ट्राई करने लायक चीज है।
and you must try. अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज हमको बताइए कि फर्स्ट टाइम अपन तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्लीज का. बिल्कुल, तो आप प्लीज बताइएगा और हमें keep us informed about your likes and your dislikes. क्रिटिक्स भी होने चाहिए क्योंकि मैंने पता चले मालूम हमें चले हाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हम आपको किस तरह से नहीं बन रहा है वो पेश करा सकते हैं चीजें क्योंकि ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं राइट फ्रॉम बेसिक ऑफ घी और दूध और दही ये हमारे घर में हम खुद बना रहे ये बाजार से नहीं आ रहा तो ये चीज आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं इस बात पे बाजार से हम लाते हैं ना हम ज्यादा मसाले पसंद करते हैं तो जो हम लोगों को पसंद है वही आप लोगों को भी ऑफर दे रहे हैं तो ये इससे ज्यादा अप क्लोज इन पर्सनल तो क्या हो सकता है तो आप प्लीज लाइक करें शेयर करें और प्लीज इन्फॉर्म पीपल एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ओके आडियोज़.